के नाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक के पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निशान सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला व एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला। केंद्रीय कारागृह के बाद अब हाई सिक्योरिटी जेल में मिल रहे हैं मोबाइल। हाई सिक्योरिटी जेल अधीक्षक को सर्च अभियान में मिला मोबाइल। सिविल लाइन थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कारागृह में लगातार चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान मोबाइल सहित अन्य आपत्तिजनक वस्तुओं की खेप मिल रही है। इस बीच जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर हाई सिक्योरिटी जेल में जेल अधीक्षक के नेतृत्व में पिछली रात चलाए गए सर्च अभियान के दौरान तलाशी में वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 के बंदियों के नहाने की खेली के पास फर्श के नीचे पॉलीथीन में दबा एक कीपैड मोबाइल और एक चार्जर बरामद किया गया। इस पर उच्च सुरक्षा कारागृह अजमेर के सुरक्षा प्रहरी द्वारा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने बताया कि हाई सिक्योरिटी जेल के सुरक्षा प्रहरी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 42 कारागृह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम द्वारा किया जा रहा है। ये मामला है हाई सिक्योरिटी जेल का है। कल जेल अधीक्षक महोदय के द्वारा आकस्मिक चेकिंग गई कि जिसके अंदर वार्ड नंबर 2 के ब्लॉक नंबर 4 में जो बंदी है निरुद्ध, उनके नाने की खेली के पास टाइल्स के नीचे एक के पॉलीथीन की थैली में लिपटा हुआ कुछ निशान सामग्री मिली, जिसको चेक किया तो सैमसंग का कीपैड मोबाइल मिला व एक लॉन्गर कंपनी का चार्जर मिला, जिसको जरिए फरज जब्ती के जब्त करके हाई सिक्योरिटी जेल के कार्मिकों द्वारा थाना शिवलाइंस में उपस्थित होकर प्रकरण दर्ज कराया, जिसकी जाँच मैं स्वयं कर रहा हूँ।